फटाफट एक नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पर। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल का शव उनके घर में पंखे से लटका मिला है। 47 साल के कलिखो पुल के सुसाइड करने का संदेह जताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कलिखो पुल ने रात को सुसाइड किया। उस वक्त उनकी पत्नी घर के दूसरे कमरे में थी। वो मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बावजूद अब भी सीएम बंगले में अपने 5 बच्चों के साथ रह रहे थे। युवा कलिखो पुल इस साल 19 फरवरी से 13 जुलाई तक अरुणाचल के मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन अरुणाचल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था। बीजेपी के समर्थन से वे राज्य के सीएम बने थे। बताया जा रहा है कि वे कुछ समय से डिप्रेशन में थे। कलिखो पुल 1995 के बाद से लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव जीते थे। अंजो जिले के हवाई से आने वाले कलिखो मुख्यमंत्री गेगांग अपांग के कार्यकाल में वित्त मंत्री थे। मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम हटाने की मांग लेकर पिछले 16 सालों से भूख हड़ताल पर बैठी इरोम शर्मिला आज अपना अनशन खत्म करेंगी। भूख हड़ताल खत्म करने के साथ साथ इरोम ने राजनीति में आने और शादी करने का भी ऐलान किया है। इरोम ने पश्चिमी इम्फाल में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट अदालत में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि वे मणिपुर में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगी। 42 साल की इरोम ने बीते 16 सालों से ना कुछ खाया है और ना पिया है। उन्हें नाक से जबरन आहार दिया जा रहा है। इरोम में नवंबर 2000 में सुरक्षा बलों के हाथों 10 नागरिकों की मौत के बाद आफसपा हटाने की मांग करते हुए भूख हड़ताल शुरू की थी। भूख हड़ताल पर बैठने के 3 दिन बाद ही उन्हें मणिपुर सरकार ने खुदकुशी की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने जाते जाते भी ब्याज दरों में कटौती नहीं की। राजन ने अपने कार्यकाल की अंतिम आर्थिक हक नीति में पॉलिसी रेपो रेट और कैश रिजर्व रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया। आरबीआई ने आज अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पेश करते हुए रेपो रेट को 6.5% और CRR को 4% ही बरकरार रखा। आरबीआई ने मार्च 2017 तक रिटेल महंगाई दर 5% रहने का अनुमान जताया है। पहले भी इसी दर का अनुमान था। आरबीआई ने कहा कि महंगाई 5% के पार भी जा सकती है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2016 से 17 के लिए 7.6% वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा। आरबीआई गवर्नर के तौर पर ये रघुराम राजन की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी थी। वे 4 सितंबर को अपने 3 साल के कार्यकाल के बाद रिटायर होंगे। अगली मॉनेटरी पॉलिसी 4 अक्टूबर को पेश की जाएगी। दक्षिण सागर चीन को लेकर हाल में भले ही द हैग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ने चीन के खिलाफ फैसला किया था, लेकिन चीन को इस फैसले की परवाह नहीं है। हाल में आई सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हो गया है कि विवादित साउथ चाइना सी में चीन अपने कब्जे वाले द्वीपों पर एयरक्राफ्ट बढ़ाकर अपनी पकड़ बना ली है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने फायरी क्रॉस सूबी और मिसचीफ रिफर्स पर एयरक्राफ्ट हाउसिंग का कंस्ट्रक्शन किया है। सबसे ताजा तस्वीरें से ये पता चला है, जुलाई के आखिर में यहाँ की जो तस्वीरें ली गई थी उनमें कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट नहीं था, लेकिन बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट हाउसिंग को चीनी वायुसेना के लिए बिल्कुल तैयार रखा गया है। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान का मानना है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक टेक में शानदार शॉट देने वाले एक्टर है। सोहेल खान के निर्देशन में बनने वाली फिल्म फ्रीकी अली में नवाजुद्दीन एक गोल्फर के भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में वे पहले अंडर गारमेंट्स बेचने वाले सेल्समैन के रूप में दिखाई देते हैं। इसके बाद वे एक स्थानीय गैंगस्टर के रूप में दिखते हैं जो क्रिकेट खेलता है। बाद में वे गोल्फ खेलने लगते हैं। रविवार को फ्रीकी अली का ट्रेलर जारी होने के अवसर पर नवाजुद्दीन ने बताया कि उन्होंने पहले कभी गोल्फ नहीं खेला है। ये एक तकनीकी खेल है और उन्हें इसे सीखना पड़ा। उन्होंने 10 से 12 दिन तक गोल्फ का अभ्यास किया। नवाजुद्दीन का कहना है कि फिल्म में अंडर गारमेंट्स के विज्ञापन से जुड़ा संवाद बेहद मुश्किल था और उन्हें इस डायलॉग को बोलने में काफी दिक्कत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कार्यक्रम 70 साल आजादी जरा याद करो कुर्बानी की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के मुताबिक इस अभियान का मकसद हर व्यक्ति में देशभक्ति की भावना विकसित करना है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने बताया कि इस अभियान का मकसद हर व्यक्ति में ये भावना विकसित करना है कि राष्ट्र पहले है और व्यक्ति बाद में। ये लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों के आज़ादी की लड़ाई में दिए गए महान बलिदान की याद दिलाएगा। नायडू ने कहा 15 अगस्त से एक सप्ताह की तिरंगा यात्रा भी लोगों में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना जगाने के लिए शुरू की जाएगी।
सांसद और विधायकों से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा में भाग लेने को कहा गया है। कल शाम लोकसभा में भी जीएसटी बिल पास हो गया। इस पर वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जीएसटी बिल का मतलब ग्रेट स्टेप्स बाय क्लीन इंडिया है। ये बिल साबित करेगा कि आखिरकार कंज्यूमर ही किंग होगा। बिल देश की गरीबी से लड़ने के लिए गरीबों की फौज की मदद करेगा। इसलिए बिल के तहत गरीबों के काम आने वाली चीजों को कर के दायरे में बाहर रखा जा रहा है। इससे पहले सदन की कार्रवाई शुरू होते ही केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी बिल को संविधान संशोधन बिल चर्चा के लिए पेश किया। जेटली ने इस बिल को राज्यसभा में पास कराने के लिए सभी पार्टियों का शुक्रिया भी अदा किया। जीएसटी को आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। जेटली ने इससे पिछले एक दशक का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म करार दिया था। यूपी और देश की राजधानी में हलचल मचा देने वाले बुलंदशहर गैंगरेप के मुख्य आरोपी सहित 3 शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी पुलिस ने कल देर शाम मेरठ के मावाना में छापा मारकर आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में 2 की पहचान सलीम और जुबेर के रूप में की गई है। गिरफ्तार किए गए 3रे आरोपी की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। मेरठ जोन के आईजी का दावा है कि पकड़े गए 3 आरोपी छेमार बावरिया गिरोह के सदस्य हैं। मुख्य आरोपी सलीम शहरनपुर का रहने वाला है। मामले से जुड़ी विस्तृत जानकारी देने के लिए आईजी नोएडा में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही वह बुलंदशहर गैंगरेप के आरोपियों को पकड़ने के लिए चलाए गए विशेष अभियान का खुलासा करेंगे। सिंगर से नेता बने बाबुल सुप्रिया आज शादी कर रहे हैं। विजेट एयरवेज में काम करने वाली रचना शर्मा से शादी कर रहे हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एडवांस में ही उन्हें एक बड़ा गिफ्ट दे दिया है। दरअसल बाबुल की शादी में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। ऐसे में मेहमानों को रुकवाने के लिए उन्हें बंगाल भवन में कुछ कमरे चाहिए थे। ममता बनर्जी ने उन्हें निराश नहीं किया और बंगाल भवन में उनके लिए 14 कमरों का इंतजाम कर दिया। साथ ही साथ ममता ने यह भी कहा कि बाबुल इसे शादी का तोहफा समझ सकते हैं। रचना शर्मा पंजाब के जलंधर की है, पर पिछले 2 सालों से उनका परिवार कोलकाता में रहा है। बाबुल और रचना की मुलाकात कोलकाता से मुंबई की फ्लाइट के दौरान हुई थी। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रही मेट्रो टीवी से। नमस्कार।